मुकाबला शुरू किया जाए। सरदार ने लोहे का खोल पहना हुआ है हा? तो ये बेमानी है। ऐसे कैसे लोहे के खोल पहनकर लड़ाई हो सकती है हा? नहीं रानी साहिबा, इस इंसान ने कोई भी लोहे का खोल नहीं पहना है। इसने कठिन परिश्रम से खुद के बदन को धातु का बना लिया है। ये धातु मानव है। अरे तो ये लड़ाई हो ही नहीं सकती। एक इंसान और एक राक्षस कैसे लड़ सकते हैं? हाँ? नहीं नहीं, जहाँ पर ना आप आ जाइए यहाँ पर। नहीं रानी साहिबा नहीं, आपको बड़ा शौक था ना अपने शौहर को लड़ते हुए देखने का। आज ऊपर वाले ने हमें भी एक मौका दिया है कि अपनी बेगम के सामने हम साबित कर सके कि हम कितने बड़े शेर हैं। आप बस तसल्ली से बैठे रहिए, इसे कैसे हराना है ये हमें आता है। बस हम आपको लड़ने नहीं देंगे। रानी साहब आप जहां बैठी हैं वहीं बैठी रहिए, ये आपके शौहर का हुक्म है। हमें मंजूर नहीं है। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का हुक्म है। हमें मंजूर है। आमखान अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा?
बना, उठिए, चलिए, उठिए, मारिए इस शैतान को, खत्म कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए इसके। याद है जापना, आपने इनके देवता को किस तरह मारा था, किस तरह तड़पा तड़पा के इनके देवता की हत्या की थी? हाँ जापना, हाँ। बताओ सरदार, अब तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? हमें माफ कर दो शहंशाह, आज से हम आपके गुलाम हैं। हुबा हुबा हु या हु। हमारा यकीन मानिए, हमने आपके देवता को नहीं मारा। और दूसरी बात, आपको हमारी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह हम अपनी रियासत के राजा हैं, उसी तरह आप अपने कबीले के राजा हैं। और एक राजा दूसरे राजा की गुलामी नहीं करता। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको गुलामी करने का इतना शौक है तो हमारी सलाह मानिए, आप शादी कर लीजिए। क्योंकि हर राजा अपनी बीवी का गुलाम तो जरूर होता है। आहा, 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 आहा,